हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट क्लास हमने एडसॉर्प्शन थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझाई थी। सो इस क्लास में हम बेसिकली एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, शेप कैटलिस्ट, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट समझेंगे, इंजाइम कैटलिस्ट समझेंगे। तो विल स्टार्ट विथ, कल मैंने आपको एडसॉर्प्शन थ्योरी का बता दिया था और एक आपका दो हमने पार्ट डिस्कस किए थे, राइट। वी हैव डिस्कस द एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये जो न्यू एडसॉर्प्शन थ्योरी है, जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी है, वो किससे मिलकर बना था? हमारे दो चीज, व्हाट इज द टू थ्योरीज, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। कॉम्बिनेशन मीन्स जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। मतलब इंटरमीडिएट बनके कंपाउंड बन रहा है, वो थ्योरी थी। दूसरी आपकी ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी थी, तो वो आपका था एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में हमने इतना पढ़ा था। सो हमने आपको कल एक मैकेनिज्म भी समझाया था, अब हम एक बुक में भी आपका एक मैकेनिज्म बताया हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपको? कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैकेंसीज, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट का सरफेस दे रखा है और ए प्लस बी आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मैंने आपको एक डायग्राम एक एग्जाम्पल से समझाया था, राइट। आपको अगर एक्सप्लेनेशन याद होगा तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था कि ये होता है आपका, ये सब मैंने समझाया था। मैंने आपको बताया था कि ये ए प्लस बी और ये एक्स एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट और ये बना रहा है, इंटरमीडिएट बन के बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका इंटरमीडिएट वाली चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम देखते हैं ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर बनाया है। ये बनाया हुआ है कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी, ये कैटलिस्ट की सरफेस को बना के रखा है जिसके पास फ्री वैलेंसीज है, ठीक है। और ए प्लस बी ये क्या है? आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं? एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, इसका एडसॉर्प्शन हो जाएगा किसके ऊपर? आपके कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पर एडसॉर्ब हो जाएंगे? जैसे ये कैटलिस्ट की सर्फेस है, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर। अब क्या हो गया? एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होने वाला था, यहाँ पर हो चुका है एडसॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपस में भी एक बॉन्ड बना लेंगे, ये दो आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। और ये बन गया, ये जो चीज बनी, ये बन गया आपका, क्या बन गया? इंटरमीडिएट। क्या बन गया? इंटरमीडिएट। वंस ये इंटरमीडिएट बन गया, मतलब इन दोनों के बीच में बेसिकली बॉन्ड बन गया, तो क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है? ये पूरी सरफेस जो क्या है, ये जो पूरी सरफेस है कैटलिस्ट की सरफेस है, यही तो प्रोडक्ट है। सो बेसिकली आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये जो आपका कैटलिस्ट था, इसने क्या किया? ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, उसको अपना सरफेस देता है ताकि आके वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएं। वंस ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, तो क्या होता है? ये आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं, ये दोनों, ये आपस में भी बॉन्ड बनाने लगते हैं, मैंने बोला ना, ये आपस में बॉन्ड बनाने लगेंगे। ये जब आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो फर्स्ट तो क्या किया इन्होंने, इसके साथ केमिसॉर्प्शन किया। ये जो ए बी रिएक्टिंग स्पीसीज थी, इसके साथ ये जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की सरफेस पे इन्होंने क्या कर लिया? केमिसॉर्प्शन के थ्रू या किस कैटलिस्ट की सरफेस पे अटैच्ड हो गई, ठीक है। यहां पे केमिसॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ये वाला जो बॉन्ड है इनके बीच का, वो वीक होने लगेगा, ठीक है। और ये एक बॉन्ड नया इनके बीच में, दो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप में डिसॉर्प्शन हो जाएगा कि कैटलिस्ट की सरफेस से प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? डिसॉर्ब हो जाएंगे। मतलब डिसॉर्प्शन क्या होता है? और एडसॉर्प्शन का ऑपोजिट होता है डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ ये स्पीसीज फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम दिस कैटलिस्ट। तो डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये भी आपका प्रोडक्ट है और ये आपका कैटलिस्ट एज इट इज निकल गया। इसका मतलब मैंने आपको यही बताया था, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बस रिएक्शन की फैसिलिटेट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि रिएक्शन हो सके, ठीक है। वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नाउ ये था हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन। सो अब हम पढ़ते हैं द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ व्हाट? सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट की दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, एक तो होती है उसकी एक्टिविटी, दूसरी होती है उसकी सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी तो हमको पता ही है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, कैसे वो कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिलेक्टिविटी क्या होती है? सिलेक्टिविटी वो होती है कि कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन के लिए सिलेक्टिव है, कौन सा कैटलिस्ट आपका किस रिएक्शन के लिए सिलेक्टिव है, वो कहलाती है उसकी सिलेक्टिविटी। क्या कहलाती है? उसकी सिलेक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखे रखा है। द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट।
मतलब एक एक्टिविटी जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रांग, कितना केमिसॉर्प्शन, कितना अच्छे से हो रहा है। केमिसॉर्प्शन क्या होता है? जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर बैठते हैं, ये आके इस पे बैठ गए कैटलिस्ट की सरफेस पे, वही तो केमिसॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हेटरोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये पूरा जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम होमोजीनियस की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेटरोजीनियस में ही आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और यहीं पर केमिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। होमोजीनियस में तो आके वो आपके सिंपल सी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हम ये हेटरोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। हेटरोजीनियस कैटलिस्ट में आपका क्या होता है? आपका केमिसॉर्प्शन होता है मैक्सिमम केस में, उसी की बात कर रहे हैं। और केमिसॉर्प्शन क्योंकि आपका जो फिजिकल ऑप्शन है वो तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, और यहाँ पर आपके केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर केमिकल केमिसॉर्प्शन ही यूज हो रहा है। तो क्या बोला हुआ है? द कैटलिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की, वो डिपेंड करती है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, कितना केमिसॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है केमिसॉर्प्शन का। द रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ये एग्जांपल को देखते चलो, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनको मस्ट कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या होना चाहिए? स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी वो कैटलिस्ट क्या होंगे? एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। वंस ये एक्टिव होगा तभी तो रिएक्शन होना शुरू होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनना, इन आपस में भी इनके बीच में बॉन्ड बनना तभी शुरू होगा। देन क्या लिखा हुआ है? However, they must not get adsorbed so strongly that they are immobilized. मतलब इनका कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन जरूरी है, ये आके कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एड्सॉर्प्शन करेंगे, पर ये जो एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं वो इतना ज्यादा भी स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए कि वंस इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया उसके बाद भी ये कैटलिस्ट की सरफेस को ना छोड़ पाए, ठीक है। ये इतना ही ऐसा ही बॉन्ड बनना चाहिए कि ये आप एक टाइम के बाद जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाए तो ये छोड़ देंगे कैटलिस्ट की सरफेस को। ऐसा बॉन्ड नहीं बनना चाहिए कि वो इमोबिलाइज हो जाए, मतलब उसको मूवमेंट ही नहीं करा पाए, ठीक है। एंड क्या लिखा है? हाँ, इमोबिलाइज्ड एंड द अदर रिएक्टेंट आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। और उसके बाद वंस ये क्या होगा, ये आके आपके फिक्स हो जाएंगे अगर यहां पर, तो और जो रिएक्टेंट है वो आके इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे कैटलिस्ट का, क्योंकि एक पार्ट एंगेज हो गया तो कैटलिस्ट के साथ। इसीलिए जो भी आपका मॉलिक्यूल स्पीसीज आते हैं कैटलिस्ट के साथ अटैच करते हैं, उनको क्या होना चाहिए, उनके बीच में बेसिकली वंस इसकी कैटलिस्ट की सरफेस अटैच भी हो गए, बट उनका जो बॉन्ड बीच में है वो इमोबिलाइज नहीं होना चाहिए, वो मोबिलाइज ही होना चाहिए, ताकि और जो रिएक्टेंट स्पेसिस जो लेफ्ट आउट हैं वो आके कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन कर सके। इट हैज बीन फाउंड दैट, क्या लिखा है? इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो हाइड्रोजन रिएक्शन रिएक्शन होता है, द कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। एक रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्शन में क्या होता है, हमने देखा कैटलिटिक एक्टिविटी जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 एलिमेंट तक बहुत इंक्रीज करती, क्या होती है, क्या हुआ? द कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ग्रुप 5 आपका क्या होता है? ग्रुप 5 में आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो आपका वैनेडियम होता है। ग्रुप 11 क्या होता है? आपका आई थिंक कॉपर होता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप 1 तो आपका हाइड्रोजन और उसके नीचे लिथियम, ठीक है। 2 में तो आपका क्या रहता है? 2 आपका ग्रुप रहता है, ठीक है ना, बेरिलियम, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन, वहां पे हीलियम रहता है, वो आप चलो अलग बात है प्रोडक्टेबल की, देन लिथियम बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये थर्ड ग्रुप उसको मानते हैं, फोर्थ ग्रुप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। तो फिफ्थ ग्रुप आपका वेनेडियम होता है, उसके बाद शायद इलेवंथ ग्रुप आपका क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। तो इसके जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय व्हाट, 7 to 9 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या बोला कि द कैटलिटिक एक्टिविटी कहां से इंक्रीज की, इंक्रीज हो रही है ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटल्स विद मैक्सिमम एक्टिविटी ऑब्जर्व किया गया, एज शोन विद ग्रुप 7 to 9, ठीक है। बी शोन किसके तरफ शो कर रहे थे, वो किस ग्रुप के साथ, 7 to 9 ग्रुप की तरफ अपनी एक्टिविटी शो कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो ग्रुप 5 से 11 तक के जो मेटल्स थे वो अपनी जो उनकी जो कैटलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, फ्रॉम कितने से, ग्रुप 5 से ग्रुप 11 मेटल के साथ, विद किसके साथ मैक्सिमम एक्टिविटी इंक्रीज हुई, बीइंग शोन टुवर्ड्स होम,
7 to 9 एलिमेंट्स, मतलब जो ग्रुप 5 to 11 जो एलिमेंट्स थे वो अपनी मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहे थे किसके साथ, ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो जैसे आपका ये रिएक्शन है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इस पे क्या किया हमने, H2O2 प्लैटिनम दिया तो क्या बना आपका H2O, तो ये क्या है प्लैटिनम आपकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है जाके प्लैटिनम की सरफेस पे, जैसे मैंने आपको कल मैकेनिज्म समझाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, तो हाइड्रोजन जाके प्लैटिनम की सरफेस पे जाके बैठ जा रहा है, प्लैटिनम के साथ केमिसॉर्प्शन कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक हो जा रहा है, वंस वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और फाइनली एक टाइम के बाद H2O बन जा रहा है मॉलिक्यूल, और आपका जो सरफेस के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो टूट जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रह रहा है, ठीक है, फिर ये हो जा रहा है। तो यही था आपका प्लैटिनम एक्ट एज व्हाट, प्लैटिनम एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और जो कि रिएक्शन की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नाउ वी लर्न अबाउट द वर्ड दैट इज दी सिलेक्टिविटी, क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्टिविटी क्या है, द सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन, कैटलिटिक सिलेक्टिविटी बेसिकली कैटलिस्ट की क्या है, एबिलिटी है टू डायरेक्ट ए रिएक्शन, एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा उसको डायरेक्ट करने की एक एक्टिविटी है, ठीक है, टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी, मतलब बेसिकली सिलेक्टिविटी कैटलिस्ट की क्या है कि ऐसी सिलेक्टिविटी कि वो सिलेक्टिवली अपना प्रोडक्ट बनाएगा, कैटलिस्ट यूज तो करोगे आप बट जो कैटलिस्ट चाहता है सिलेक्टिवली, अगर चाहता है कुछ और प्रोडक्ट बनाना तो वो वही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो सिलेक्टिव करके प्रोडक्ट बनाएगा। सो बेसिकली सिलेक्टिविटी कैटलिस्ट की क्या है, इट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, वही रिएक्शन डायरेक्ट करने के लिए टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना सिलेक्टिवली, यही है सिलेक्टिविटी, ठीक है। अंडर व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, बहुत सारे रिएक्शन कंडीशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, सो विद द सिलेक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिवली एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। सो सिलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्शन इज डिफरेंट, मतलब सिलेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट के लिए, फॉर एक ही रिएक्शन के लिए हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो सिलेक्टिविटी देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि कोई रिएक्शन लेते हैं हम, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब बेसिकली हम वही रिएक्शन कर रहे हैं, सेम रिएक्टिंग स्पीसीज यूज कर रहे हैं, बस कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है हम सिलेक्टिवली कैटलिस्ट चूज कर रहे हैं और हमारा सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहा है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है। तो इस टाइप में जब हम सिलेक्टिवली यूज करते हैं कैटलिस्ट को वो हम कहते हैं कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी, क्या कहते हैं हम उसको, कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल विद H2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो स्टार्टिंग विद हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 एंड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, इसके केस में हम डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्या मिला हम डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, चलिए हम उसको समझते हैं कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको निकिल के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया, निकिल इज एक्टिंग एज व्हाट कैटलिस्ट, तो आपका मीथेन बना और H2O निकला, ठीक है, क्या बना, मीथेन बन गया और H2O निकल गया। वही सेम रिएक्शन जब हमने कॉपर या जिंक, ठीक है, कॉपर या जिंक ऑक्साइड यूज करके कराया, ठीक है, कॉपर और जिंक या फिर जिंक ऑक्साइड यूज किया और आपका ये क्रोमेट यूज किया Cr2O3, ठीक है, और क्या बना, इस टाइप में आपका बन गया ये अल्कोहल, ये क्या बन गया, ये मिथेनॉल बन गया, अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल, एक कार्बन है ना इसलिए मिथेनॉल, ये तो आपको पता ही होगा आपने 11th में पढ़ रखा है। द सेम रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 को कॉपर, सिर्फ कॉपर के प्रेजेंट, यहां पर क्या था, कॉपर और जिंक या कॉपर या जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमेट Cr2O3, ठीक है ना, यूज कर रहे थे, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिर्फ आपका कॉपर यूज किया और क्या पता चला, ये एल्डिहाइड बन गया, क्या हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, राइट, देखो आपका CO प्लस आपका H2 रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है HCHO, क्या बन रहा है, HCHO, ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये आपका एल्डिहाइड बना रहा है, जो पहला आपने इसमें आपने जब कॉपर यूज किया, आपने जब CO प्लस H2 और आपने जब इसमें कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड यूज की और आपका क्रोमेट यूज किया, तो इस केस में आपका क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बना, CH3OH, क्या बना, मिथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है C, हाइड्रोजन 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 और ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये बना। और जब हमने निकल यूज किया था रिएक्शन में, जब हमने निकल यूज किया था
CO plus H2 और हमने यहाँ पर निकिल जब यूज किया था तो आपका क्या बना था, CH क्या 4 प्लस H2O, क्या बना था CH4, मतलब मीथेन और H2O बना था, ठीक है, ये आपका बना था जब हमने निकल यूज किया था। तो तीन, मतलब तीन अलग अलग हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और तीन अलग अलग हमको क्या मिल रहा है, हमको आपके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और जस्ट इमेजिन आपको ये सेम आपको रिएक्टेंट्स हैं और आपको चाहिए कि आपका मीथेन बने, तो आप क्या यूज करोगे, आप निकल यूज करोगे सिलेक्टिवली, यू कैन सिलेक्ट राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिलेक्टिविटी। अगर मैं बोलूं आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, कॉपर यूज करोगे, ये सेम रिएक्शन में आप कॉपर यूज कर लोगे एज कैटलिस्ट तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। यही सेम रिएक्शन में अगर आप जिंक ऑक्साइड क्रोमेट के साथ यूज करोगे तो आपको एल्कोहल मिलने लगेगा, तो आप एल्कोहल के लिए ये यूज कर सकते हो। दस क्या लिखा है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव। इससे हम बोल सकते हैं कि जो एक्शन है कैटलिस्ट का हाईली सिलेक्टिव है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर निकिल यूज हो रहा है तो आपका कुछ और बन रहा है, यहाँ पर कुछ और यूज हो रहा है, आपका कॉपर यूज हो रहा है तो आपका कॉपर जिंक ये क्रोमेट का फॉर्म यूज हो रहा है तो आपको मिथेनॉल मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है, देन यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो बेसिकली ये बहुत हाईली सिलेक्टिव है। एज अ रिजल्ट अ सब्सटेंस क्या है, एज अ रिजल्ट अ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन, मतलब एक सब्सटेंस एक्ट करता है किसी एक कैटलिस्ट की जैसा एक रिएक्शन में, वो फेल कर सकता है दूसरी रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपको चाहिए CH4, ठीक है, और आपने कॉपर यूज किया, तो क्या आपको ये CH4 ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हो रहा था एक रिएक्शन के लिए जो कि वो एक यूजफुल कैटलिस्ट था, अदर रिएक्शन के लिए वो एक फेल कैटलिस्ट बोल सकते हैं, दैट इज दैट वी कैन से कि वो कैटलिस्ट फेल हो गया वो रिएक्शन के लिए, तो हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट सक्सेसफुल कैटलिस्ट, ठीक है। तो एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट सक्सेसफुल है, दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। अब हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट द सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है, ये सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है क्या। तो इसमें बेसिकली ये जो सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस जो होता है उसको कौन करता है, ये करते हैं जियोलाइट्स, ठीक है। सो जियोलाइट्स क्या होते हैं वो आपको अभी मैं पढ़ूंगी और पता चल जाएगा जियोलाइट्स होते क्या है। सो द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट उनको बोला जाता है जो कैटलिस्ट डिपेंड करते हैं पोर स्ट्रक्चर, मतलब एकदम स्ट्रक्चर क्या है कैटलिस्ट का, किस पे डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर क्या है कैटलिस्ट का, और रिएक्टेंट स्पीसीज का और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो स्पीसीज हैं साइज क्या है उनका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का क्या साइज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेप एंड सिलेक्टिव। शेप किसका, स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं कैटलिस्ट का, एंड सिलेक्टिव साइज किसका देख रहे हैं हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो वो कैटलिस्ट दैट डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की पोर स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज को पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सो इस सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा जियोलाइट्स है। क्या है जियोलाइट्स, जियोलाइट्स आर गुड सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज दे आर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। सो जियोलाइट्स एक आपका शेप होता है, एक आपका कैटलिस्ट ही है, ठीक है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर हनीकॉम जैसा लाइक होता है, ठीक है, हनीकॉम जैसा लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर माइक्रोपोर्स एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये किससे बने होते हैं, छोटे छोटे एल्यूमिनियम सिलिकेट से बने होते हैं, ठीक है, माइन्यूट एल्यूमिनियम सिलिकेट पोर्स से बने होते हैं, ठीक है, उसमें एल्यूमिनो सिलिकेट प्रेजेंट होता है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इससे बने होते हैं। दे आर माइक्रोपोर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट, व्हाट, एल्यूमिनो सिलिकेट विद थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, किससे, विथ व्हाट, थ्री डायमेंशनल उनका नेटवर्क होता है ऑफ सिलिकेट, किसका, सिलिकेट का, इन विच सम सिलिकन एटम आर रिप्लेस्ड। क्या होता है, उसमें हम कुछ सिलिकन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं एल्यूमिनियम एटम के साथ, गिविंग व्हाट, और हमारा फ्रेम बन जाता है AlOSi फ्रेमवर्क। मतलब आपको बस इतना याद रखना, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट मतलब आपका जियोलाइट्स होते हैं, उनका बेसिकली क्या होता है, जियोलाइट्स आर बेसिकली दे आर माइक्रोपोर्स, क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स ऑफ एम्यूनो सिलिकेट्स, माइक्रोपोर्स होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट के लिए विथ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, कुछ ऐसा थ्री डायमेंशनल उनका नेटवर्क होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल टाइप शेप, ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है ऑफ व्हाट, सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिका, सिलिकेट्स, इन विच सम सिलिकन एटम, जो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर सिलिकन है, सिलिकन है, सिलिकन है, सिलिकेट का नेटवर्क कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस सिलिकन की जगह पे क्या हो जाता है, इस सिलिकन की जगह पे रिप्लेस हो जाता है एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनिया इज रिप्लेस्ड, ओके सिलिकन इज रिप्लेस्ड विद व्हाट, एल्यूमिनिया, वही बोला है कि सम सिलिकन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एल्यूमिनियम एटम्स बाय गिविंग क्या फ्रेम मिल जाता है इनके नेटवर्क को, इनका नेटवर्क मान लो यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता होगा तो एक सिलिकन कुछ कुछ रिप्लेस हो जाते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम फिट हो जाता है और उनका नेटवर्क कुछ ऐसा होता है ALO, ALOSI ये नेटवर्क बन जाता है, ठीक है ALOSI, और इस नेटवर्क का पूरा आपका जियोलाइट होता है, क्या होता है AC नेटवर्क का पूरा आपका जैसे ये स्ट्रक्चर है इसमें पूरे आपका यही इसी पैटर्न में आपके जियोलाइट क्या होंगे अरेंज्ड होंगे, क्या होंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये AL है, ठीक है ये AL हो गया, ये SI हो गया, यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगेन AL है ये ऑक्सीजन हो गया, ऐसा करके इनका नेटवर्क रहता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर तो अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, आप बस इतना जान लीजिए ये नेटवर्क इंपॉर्टेंट है कि ALOSI फ्रेमवर्क रहता है इसमें, ठीक है। नाउ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाली ये चीज है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस जो रिएक्शन होते हैं जियोलाइट में वो डिपेंड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ व्हाट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज अपॉन व्हाट एज वेल एज द पोर्स एंड कैविटीज ऑफ द जियोलाइट, कितने पोर्स हैं कितनी कैविटीज हैं जियोलाइट में, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका जियोलाइट कुछ इस प्रकार का है शेप उसका, ठीक है ये आपका जियोलाइट है तो इसमें कितने पोर्स हैं कितनी कैविटी, उस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पोर्स होंगे जितनी कैविटी होगी उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा आपका ये एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट और इतना ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल्स आके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आके इस पर बैठेंगे, ठीक है। जियोलाइट बेसिकली क्या है आपका कैटलिस्ट ही है ना, और बेसिकली क्या कर रहा है ये शेप सिलेक्टिव एज पर द शेप ये सिलेक्ट कर रहा है कैटलिस्ट, अभी हमने सिलेक्टिविटी पढ़ी राइट, कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी पढ़ ली, तो ये शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है क्या, ये जियोलाइट जो होते हैं आपके ऐसे स्ट्रक्चर के थोड़े बहुत दिखते हैं इनमें पोर्स वोर्स होते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस करते हैं, तो इनके जो शेप का फायदा उठा के जो रिएक्टिंग स्पीसीज आपके इसमें बैठ जाते हैं और आराम से एड्सॉर्प्शन हो जाता है, वही तो है थ्योरी। तो यही बोला हुआ है यहाँ पर कि द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट, जो रिएक्शन होते हैं जियोलाइट में वो डिपेंड करते हैं अपॉन द साइज एंड द शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज व्हाट अपॉन द किस पे पोर्स एंड कैविटीज ऑफ द जियोलाइट, जियोलाइट में कितने पोर्स और कैविटी हैं उस पे भी डिपेंड करते हैं, दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड फॉर कैटालिटिक सिलेक्टिविटी, ये नेचर में भी फाउंड किए जाते हैं और इनको हम सिंथेसाइज भी करते हैं ठीक है तो इनको लैब में सिंथेसाइज भी करते हैं हम लोग, सिंथेसिस करते हैं इनका लैब में, ठीक है, और इनको नेचर में भी ये फाउंड होते हैं जियोलाइट्स। सो बेसिकली जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल, जो हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जहां पर पेट्रोल वगैरह रिफाइनरी होती है, डीजल पेट्रोल नॉर्मल ऑयल्स पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं उसमें इनका बहुत यूज है, ठीक है, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमरिज्म, आपने पढ़ा होगा कि क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करके और अलग अलग ऑयल्स बनाना, ये सब इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, जियोलाइट्स बहुत तादाद पे यूज होते हैं, ठीक है, आइसोमरिज्म में भी आपके ये जियोलाइट्स यूज होते हैं। सो एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट है जो कि आपका पेट्रोल से गैसोलीन बनाता है, ठीक है, तो आपका वो है ZSM, क्या है आपका ZSM5, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, एकदम याद कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, जो ये ZSM कैटलिस्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। व्हाट इट डज, ये बेसिकली आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये, इट कन्वर्ट्स व्हाट अल्कोहल जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है किसमें, गैसोलीन मतलब पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, बेसिकली अल्कोहल अगर है आपके पास, अल्कोहल लैब में है, मतलब में मतलब जो इंडस्ट्री में वो लोग रिएक्शन करते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं ZSM5 देते हैं तो वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है, गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये गैसोलीन कुछ नहीं ये क्या है, ये है पेट्रोल, क्या है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ZSM भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ठीक है। By what? By dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon. और जो ये बनता है पेट्रोल, ये पेट्रोल बेसिकली आप पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा जब ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली क्या है आपका एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या है ये हाइड्रोकार्बन, और आप सबको ही पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता है आपका हाइड्रोजन एंड प्लस कार्बन के
कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोजन एंड प्लस कार्बन के कंपाउंड्स को ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. तो ये था आपका सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जिओलाइट्स. जिओलाइट्स आपको पता चल गया, ये इनका दे हैव व्हाट, जिओलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज उनका हैनीकॉम लाइक शेप होता है, उनके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है. माइक्रोपोर्स किसके होते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट्स के होते हैं. विद उनके पास थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का, इन विच सम सिलिकन्स, क्या होते हैं, सिलिकन एटम आपके रिप्लेस हो जाते हैं किससे, एल्यूमिनियम से, और आपका एक AL ऑक्सीजन सिलिकन फ्रेम नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, फ्रेमवर्क बन जाता है, वही फ्रेम नेटवर्क बन जाता है. सो बेसिकली ये जो रिएक्शन होते हैं, टेकिंग प्लेस होते हैं जिओलाइट्स में, वो डिपेंड करते हैं साइज एंड शेप क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड करते हैं पोर्स एंड क्या कैविटीज कितनी है जिओलाइट्स में. जितनी ज्यादा पोर्स कैविटी होगी उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन अच्छे से होगा, जितना अच्छा मॉलिक्यूल का शेप एंड साइज होगा उतना अच्छे से एड्सॉर्प्शन होगा. और जिओलाइट्स वाइडली यूज होते हैं हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए यूज होता है, आइसोमेरिज्म के लिए यूज होता है, आपका इंपॉर्टेंट है. एंड जिओलाइट्स यूज बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट जिओलाइट है आपका, दैट इज व्हाट, ZSM5 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है. इट कन्वर्ट्स व्हाट, अल्कोहल डायरेक्टली टू व्हाट, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को गैसोलीन में, दैट इज पेट्रोल. एंड बाय डिहाइड्रेटिंग देम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टू गिव, और किस कैसे कन्वर्ट करता है अल्कोहल को, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैसोलीन में बाई डिहाइड्रेटिंग देम, ठीक है. डिहाइड्रेट करके मतलब, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर निकाल दो, हाइड्रेशन निकाल दो, ठीक है. तो बेसिकली अल्कोहल से वाटर निकाल के पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है बाय व्हाट, बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव व्हाट, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन जब मिक्सचर बन जाता है तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली पेट्रोल ही आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है एक तरह का, ठीक है. नाउ इंजाइम कैटालिसिस. तो इंजाइम कैटालिसिस हम बस थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, इंजाइम कैटालिसिस आपका होता क्या है. सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी नॉर्मल कैटालिसिस केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट पढ़ा, ठीक है. तो बेसिकली कोई रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये कैटलिस्ट ऐसे यूज होता है वैसे. तो इंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक लिविंग सिस्टम हमारी बॉडी में, लिविंग सिस्टम, लिविंग बींग में यूज होता है. बेसिकली ये इंजाइम क्या होता है, इज एक्ट एज व्हाट, ये कैटलिस्ट जैसा ही काम करता है बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज होता है. जैसे कि हमारी बॉडी, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे कैलोरीज होती है, राइट, कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर, प्रोटीन, सब कुछ होता है, ठीक है. तो इस प्रोटीन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक कौन करता है, उसको ब्रेक करते हैं इंजाइम्स, ठीक है. इंजाइम्स हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है. बेसिकली इट ऑल्सो डज द सेम वर्क एज दैट ऑफ व्हाट, एज दैट ऑफ द आपके उसके जैसा ही काम करता है, कैटलिस्ट की काम की तरह, क्योंकि इंजाइम जैसे ही अपना रोल करने लगता है आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है आराम से. क्या हो जाता है, आपका खाना आराम से इजिली डाइजेस्ट हो जाता है. बेसिकली ये इंजाइम हमारी बॉडी नॉर्मली खुद ही प्रिपेयर करती है, बट कभी कभी क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं. इसका कुछ होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करती है, इसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं. ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल, जैसे मान लो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है, कभी कभी हमारा बीमार हो जाते हैं जब, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है 38 मान लो, या फिर कभी कभी 39 भी पहुंच जाता है हमारा डिग्री सेल्सियस. तो उस टाइम पे आपको बाहर से दवाई लेनी पड़ती है. हम क्यों दवाई लेते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो हम खा रहे हैं हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर हमको, हमारी तबीयत खराब है तो हमको भूख ही नहीं लग रही, क्योंकि जो हमारा खाना खाया था वो हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, हमको पता नहीं चलता है, पर हमको खाने का मन ही नहीं करता. तो इसलिए हम बाहर से इंजाइम देते हैं. जब हम बाहर से इंजाइम देते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स को, जो भी पार्टिकल्स आपके पेट में है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं. उसके बाद आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है और वो बैक्टीरिया वगैरह सब अपना काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है. वंस आपको भूख लगेगी फिर से खाना खाओगे, वंस आप खाना खाने लगोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली इंजाइम्स ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट. विदाउट इंजाइम के धीरे धीरे आपका प्रोसेस बहुत स्लो जाएगा. जैसे ही आप इंजाइम यूज करते हो तो आपका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना, हमें भूख लगना बंद हो जाती है कभी कभी, तो हम बाहर से कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद हमें फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है. तो बेसिकली जब हमारी बॉडी इनफ इंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही होती तो हमें बाहर से इंजाइम लेना पड़ता है ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बाद आपको फिर से भूख लगना शुरू हो जाए. कभी होता है ना, हमें भूख लगना बंद हो जाती है, उसकी दवाई खाते हैं अलग से, ठीक है. तो वो ये चीज है, ठीक है. तो बेसिकली इंजाइम आपका बस एक तरह का कैटलिस्ट ही है, बट ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करता है. हम इसका बहुत सारी चीजें, इसका लॉक एंड की मेथड है वो भी हम पढ़ेंगे.
फिलहाल क्या अभी इस चैप्टर में इतने रखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम इस चीज़ों को समझाएंगे कि कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है, क्या क्या फंक्शंस होता है कैटलिस्ट का, जैसे इसमें बहुत कुछ दे रखा है, बायोकेमिकल कैटलिसिस क्या होता है एंड बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन्वर्जन ऑफ आपके शुगर केन और ये कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल, ये सब कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे हम फर्स्ट जब हम कैटलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कैटलिस्ट था जैसे आपका वो कैटलिस्ट वो किसी पर डिपेंड नहीं करता था, ठीक है, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बेसिकली डिपेंड नहीं करता था, वो बस इस पर डिपेंड करता था, वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता था रिएक्शन पे, वो सिर्फ रिएक्शन पे आके पार्टिसिपेट एक फैसिलिटेटर बनता है वो रिएक्शन में, ठीक है। वो ना तो बस आपके जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टिंग स्पीसीज है 1-2, इसके साथ कैटलिस्ट आपका मिक्स हो जाएगा, देन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट आपका फिर से बाहर निकल आएगा, मतलब इट डज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट ओनली इन्हेंसेज द रिएक्शन, इन्हेंस करता है रिएक्शन को विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो बेसिकली कैटलिस्ट बढ़ाने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम नहीं बढ़ता है, घटता है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वही रहेगा बट स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक रोड ले लो, ठीक है, और एक बोलो ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, एक आदमी है यहाँ पर और यहाँ पर एक बच्चा है, ये दोनों भाग कर आ रहे हैं, ठीक है, और मान लो ये आदमी तो तेज भाग रहा है, ये लोग मिल रहे हैं ये 70 नंबर पे, यहाँ से मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, और ये लोग मिल रहे हैं 70 मीटर पे, ठीक है, 70 मीटर पे मिल रहे हैं, ये बच्चा यहाँ तक भाग के आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसकी स्पीड बढ़ा दोगे, इस कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड बढ़ा दोगे आप, जस्ट मान लो आप ये वीडियो में देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, अब क्या करोगे आप स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये ज्यादा जल्दी भागने लगे, ज्यादा जल्दी भाग पर मिलेंगे तो ये 70 पे ही, राइट, मिलेगा तो ये 70 पे ही, वैसे ही आप स्पीड लो भी कर दो तो धीरे 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 आएंगे पर मिलेगा तो ये 70, मतलब जो इक्विलिब्रियम, वैसे ही अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की है वो चेंज नहीं होती कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट जानने से बस रिएक्शन स्पीड हो जाता है बट जहां पर उसका इक्विलिब्रियम आने वाला था वो वहीं पर ही आएगा, ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम वहीं पर आएगा जहां पर वो होने वाला था, वो डजंट डिपेंड करता है कि वो आपका कैटलिस्ट की स्पीड बस बढ़ाता है, कैटलिस्ट क्या करता है स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की, उसमें उसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और आई थिंक आपके बोर्ड के सिलेबस से कोलाइड्स वाली चीज टॉपिक हटा दी है, तो आई थिंक वंस हम कैटालिसिस खत्म करते हैं तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं, ठीक है, कोलाइड्स हमारे सिलेबस से शायद हट चुका है, सो विल डू द इंटेक्स क्वेश्चन ऑल्सो, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जितना हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।